वो बादन तक का देखिए। तो गाइस पैदल चलने के लिए मैं होती हूँ रेडी। कचार में खुली रखे रडली बजे। चल जा। रिस्क तो बनता है भाई। एक्चुअली ये इसका यूट्यूब में चैनल है भानु मेक। मैं नहीं आ रही, मुझे डर लग रहा है और मैं बीच में फंस चुकी हूँ। मैं समझ में नहीं आ रहा उधर जाऊँ किधर। ओह माय गॉड। तो मेरे को ना एडवेंचर और चैलेंजेस ना लाइफ में बहुत पसंद है। मुझे अच्छा लगता है ऐसे चैलेंज लाइफ में आते रहते हैं। अगर ऐसे चैलेंज लाइफ में आएंगे नहीं तो जीने का मजा ही नहीं है। मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को मेरा पहला नमस्कार प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे इतनी भारी बारिश के बाद भी। आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह 8:30 बजे से, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपने सलून। कल करवा चौथ है तो आज सलून में काम भी है, तो मैं जा रही हूँ अपने सलून। रास्ते थोड़ा ख़राब है, मैं जा रही हूँ तो आप लोगों को दिखाऊंगी कि रोड सही हुई है नहीं हुई है और कितनी ख़राब है। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। गाइस पैदल चलने के लिए मैं होती हूँ रेडी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत पैदल जाना पड़ेगा, रास्ते खराब हो रहे हैं वहां के। चलो गाइस चलते हैं। अब देख लेते हो चाबी लाई हूँ नहीं लाई हूँ। चल है ये है मेरा भाई, वैसा मेरे को आ रहा है रास्ते में छोड़ने। अगर रास्ते सही होंगे तो हम जाएंगे बाइक में गर्म पानी तक, अगर नहीं होंगे तो जाना पड़ेगा पैदल। इसने मेरे जूते खराब कर दिए। जो रास्ते कितने खराब हो रहे, कितना मलवा रखा है ये है यहाँ का सुंदर नजारा। तो गाइस यहाँ से देखिए रोड सब टूट चुकी है और अब हम जा रहे हैं पैदल। इसीलिए मैं जूते पहन के आई थी। साथ ही वहाँ पे पूरा मलबा चला जाता है और मुझे लग रहा है पैदल जाने का रास्ता भी बंद हो चुका है। चलो देखते हैं क्या होता है आगे। पूरा नदी में जा चुकी है रोड। ओह माय गॉड, ये मेरा भाई हमेशा मेरा साथ देते हुए। भाई भाई थैंक यू। कि औरतों के बारे में मैं क्या कहूँ, मतलब कुछ भी हो जाए इन लोगों ने अपना काम करना ही है। इतनी तेज बारिश, नदी कोसी सब बह के आ गया, फिर भी देखिए औरतें घास काटने आई हैं यहाँ पे। ये देखिए रोड पूरी टूट गई, पर तुम काबा काट लगा। तेरी मुझे लग नहीं रहा अभी एक साल तक सही होने वाली है, बट कोई नहीं, आप रोड देख लीजिए, अगर बहुत ज्यादा खराब हुई तो हम लोग दूसरे रास्ते से जाएंगे। तो गाइस ये देखिए लाइफ में कितना संघर्ष करना पड़ता है हर चीज को पाने के लिए। तो गाइस ये देखिए जो ऊपर से मलबा रखा है, रोड का कोई नामो निशान नहीं है और नदी, और मैं बीच में खड़ी हूँ एक्चुअली। और आगे रास्ता और भी बहुत ज्यादा डेंजर है। ओह माय गॉड, ये देखिए। ओए कमल रुक जाना भाई प्लीज यार। मैं नहीं आ रही, मुझे डर लग रहा है।
और मैं बीच में फंस चुकी हूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा उधर जाऊँ किधर। ओह माय गॉड, कमल मत कर यार, आराम आराम से चल तू। चल जा, रिस्क तो बनता है भाई। एक्चुअली ये इसका यूट्यूब में चैनल है भानु मेकओवर करके, और ये उसमें आपको ब्यूटी की टिप्स मिल सकती है अच्छी अच्छी। और ये हम आ चुके हैं इधर, ये पूरा पैदल डेंजर जोन पार करके। अभी फिलहाल कोई आया नहीं है, फर्स्ट टाइम ही आए। लेते मोबाइल, अब रोड मिलने वाली है, चल। और सेफ जोन, ये देखिए कल रात एक गधेरा जैसा भी आया हुआ, ये नाला जैसा यहाँ आपको दिख रहा है। ए नाले नाले जा, नाला टाइट टाइट हो रहा होगा, जा इसमें जा। कचार में खुनी रखिए, रड़ली बजे। करके आ चुके हैं, बहुत मजा आया। मीन्स मैं आपको अपनी फीलिंग नहीं बता सकती, मेरे को एडवेंचर बहुत 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 ज़्यादा पसंद है यार। ऐसे वैसे चैलेंजेस तो लाइफ में आते रहते हैं, अगर इतने छोटे छोटे चैलेंजेस से हम डर गए तो फिर लाइफ जीने में मज़ा नहीं है। ये देखिए, वाव, ऐसे पैदल चलने का ऐसे पहाड़ों में अलग ही मजा है, तभी तो हम है पहाड़ी। यहाँ पे भी पत्थर आए हुए हैं, अब कुछ लोग मेरे को कहेंगे पार्लर जाना जरूरी है। नहीं, पार्लर जाना उतना जरूरी नहीं है जितना चैलेंज लेना जरूरी है। गाइस ये देखिए, ओप्स, पत्थर रास्ते में कितने ज़्यादा गिर चुके हैं। मैं थक गई हूँ थोड़ा बहुत, अपने साथ पानी की बोतल भी नहीं लाई हूँ, बट सीरियसली फीलिंग अमेजिंग, मतलब मेरे को इतना मज़ा आ रहा है आप लोगों के साथ। एक तो मेरे को एडवेंचर करने में बहुत मज़ा आ रहा है, और सेकंड मुझे आप लोगों के साथ ये शेयर करने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो गाइस, ओ वहाँ पर गधेरा भी आया है, अब तो बारिश रुक चुकी है तो पहाड़ों से भूस्खलन तो होगा नहीं, तो ज़्यादा रिस्क नहीं है। बस जो रिस्क ही था वो हम पार कर चुके हैं, तो आपको दिखाती हूँ। वो देखिए, वहाँ पर एक फिर से बहुत सुंदर गधेरा आ चुका है, और ये है बर्दोह की रोड। यहाँ के ग्रामीण इतना परेशान रहते हैं इस रोड की वजह से, तो अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा इस रोड को बनने में। तो मैं जा रही हूँ, मुझे बुरा भी लग रहा है क्योंकि अब मैं घर नहीं आने वाली कुछ दिन तक, जब तक ये रोड सही नहीं होती। और ये देखिए गाइस, यहाँ पर कितना सुंदर झरना आया है, वाओ। पहले कर लेते हैं इसे भी पार, मेरे जूते ना भीग जाएं कहीं। ओप्स, ओह शिट, मेरे जूते भीग गए। ये देखिए गाइस, अब मैं पहुंच चुकी हूँ अपने सेफ जोन में, एकदम सेफ है ये, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। थोड़ा सा रिस्क था वहीं पे है, यहाँ से आगे रोड एकदम सही है, क्या पता मुझे कोई गाड़ी वाड़ी मिल जाए आगे से, मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो यहाँ से गर्म पानी ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि हमने रास्ता बहुत ज़्यादा क्रॉस कर लिया है, तो इतना तो मैं चल ही सकती हूँ। क्योंकि मैं आप लोगों को एक बात और शेयर करना चाहती हूँ, मेरी जब मैं बीए करती थी नैनीताल से, तो मेरी एनसीसी भी थी, तो मैंने ट्रेनिंग ली हुई है, तो मेरे ज़्यादा ये सब वो नहीं है मेरे ना, मतलब मैं कर लेती हूँ इतना तो, चलना वरना सब कुछ कर लेती हूँ। एनसीसी की का फायदा है क्या अगर इतना नहीं चल पाए तो। गाइस ये देखिए, ये है बर्दोह की रोड, ये पूरी सेफ लोकेशन है, और यहाँ पे कोई आदमी नहीं दिख रहा, मैं और मेरा भाई है बस। तो ये देखिए, ये पूरा सेफ जोन है, ये देखिए यहाँ रोड उतनी खराब नहीं है। ये देखिए, ये नदी देखिए, इसकी है हमारे वहाँ की रोड, आगे नहीं है, बस वहाँ पे जिस दिन सही हो जाएगी उस दिन इतना रिस्क लेना नहीं पड़ेगा। तो अभी मैं पहुँचने वाली हूँ गर्म पानी, मीन्स यहाँ से थोड़ा और दूर है,
यहाँ तक देखो मैं पैदल पैदल आई हूँ। बट सीरियसली गाइस मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब ये ऐसे पैदल जाने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो अभी आपको सलून में, मतलब थोड़ी सी दूर है, फिर मैं सलून पहुँच जाऊँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। मैं ये ब्लॉग शेयर करूँगी बस सलून जाने तक, क्योंकि वरना बहुत लंबा हो जाएगा और लंबे ब्लॉग्स लोगों को पसंद नहीं है। तो आप लोग देखिएगा, शेयर कीजिएगा कि हमारे वहाँ की लाइफ कैसी है। देखो क्या है ना, कुछ नहीं है, बस कुछ नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भी क्या बोलूँ, जो भी है देख लेना। तो गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ भुजान, और देखो धूप के में, धूप की वजह से मेरी आंखें भी नहीं खुल रही, वैसी छोटी है, और धूप हो रही है तो वैसे भी नहीं खुल रही है। ये देखिए भुजान गाइस, ये है भुजान की पुल। मैं अभी भी पैदल चल रही हूँ, गाड़ी पहुंच चुकी हूँ अपने सलून। तो यहाँ पे लाइट नहीं है आज। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल।